हाँ सीरत, क्या हो गया ऐसा? 15 मिस कॉल है तुम्हारी? इलाही जिंदा है। अबे तुमने कोई भूत-भूत देख लिया होगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अरे जाओ ना, जान से शादी करियो, आराम से चिल मारो, शादी करो। इतना इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो यार? हाँ, उसे खाई से इतनी ऊपर से नीचे फेंका था, वो जिंदा कैसे बच सकती है यार? सीरत तुम कैसी बातें कर रही हो? जॉर्डन जस्ट शट अप, ओके जस्ट शट अप। इलाही जिंदा है, उसने कॉल किया मुझे, मुझसे बात की उसने। उसने कहा है कि वो आज आ रही है तुम्हें और मुझे जेल भेजने के लिए। जॉर्डन प्लीज डू समथिंग, नहीं तो तुम और मैं जेल की चक्की पीसेंगे। ये कैसे हो सकता है? इलाही जिंदा कैसे बच सकती है? उसे तो मार दिया था, वो वापिस कैसे हो सकती है? नहीं हो सकता ये, नहीं हो सकता ये, नहीं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं। गार्ड किसी लड़की को जहां जाते हो देखा? नहीं डॉक्टर। चलो हम पीछे वाले गेट पे देखते हैं। मुझे किसी तरह से पहुंचकर सीरत और जहान की शादी रोकनी होगी। काश आज तुम यहां होती भाई, काश तुम अपनी आंखों से मुझे और सीरत को शादी करते देख पाती। आखिर यही तो चाहती थी ना तुम, लेकिन अगर तुम यहां होती तो तुम्हें कुछ और भी दिखता। मेरी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत। नहीं, ये मैंने और सीरत ने मिलके मार दिया इलाही को, और मम्मा इलाही वापिस आ रही है, वो जिंदा है, वो वापिस आ रही है। तू समझ रहा तूने क्या किया? तूने मम्मा, मुझे जेल नहीं जाना मम्मा, प्लीज। इलाही वापिस आएगी ना मैं उसे फिर से मार दूंगा। तू क्या कह रहा है जॉनी? तुझे पता है तूने गलती की सारे हाथे पार कर दी। You've crossed all your limits. हमें तूने किसी का खून कर दिया जॉनी। ये सब कुछ ना, ये सब मेरी गलतियों का नतीजा है। ये मेरी वजह से तुझे इतनी छूट मिली है जॉनी। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था मॉम। मॉम आप तो जानते हो ना कि मैं इलाही से कितना प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता और मैं कभी सपने में भी ये नहीं सोच सकता। मैं तो उसकी मदद करने गया था, लेकिन वो सीरत ने मुझे उकसाया और उसने मुझे इतना उकसाया कि मुझे मारना पड़ा इलाही को। और तू जोश में होश खो बैठा। हजार बार कहे जॉनी कि होश से काम लिया कर, देखिए नतीजा। इलाही छोड़, अगर घर में किसी ने सुन लिया ना तो तुझे खुद पुलिस के हवाले कर देंगे। मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज कुछ करो ना। मैं तेरी जिंदगी पर बात होते नहीं देख सकती। नो नो, नहीं नहीं मोहम्मद, क्या कर रहे हो? सुन, तू ये शहर छोड़ के, नहीं तू ये देश छोड़ के चला जा। जस्ट गो अवे फॉर सम टाइम। मैं यहां सब संभाल लूंगी, तू चले जा जॉनी। मैं नहीं भागूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा तो जेल चला जाएगा बेटा। मैं जेल नहीं जाऊंगा मॉम। ये तो क्या कह रहा है, जेल नहीं जाएगा? मैं बस सबूत है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो। सीरत। हाँ मॉम, ये सबूत है मेरे पास और मुझे कोई जेल में नहीं भेज सकता। माना मैं थोड़ा ना समझू, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। मैं जेल नहीं जाऊंगा, जेल इलाही का सामना करूंगा। मैं भी देखता हूँ क्या करती है। जहान फोन क्यों नहीं उठा रहा?
क्यों मुझे बार बार तुम्हारी मौजूदगी महसूस होती है? तुम्हारे होने का एहसास क्यों होता है मुझे? ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? अरे इलाही, तुम जिंदा हो? तुम्हें तुम्हें मैं बता नहीं सकता कि तुम्हें ऐसे देख के मैं कितना खुश हूँ। इलाही, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देख के ऐसे। आई कांट बिलीव। इलाही, इसमें डरने वाली क्या बात है यार? तुम डरो मत। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। अरे मैं कुछ नहीं करूंगा। देखो मैं पीछे हूँ, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तुम्हें। मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ यहाँ। हे माता रानी, मुझे शक्ति दो इस राक्षस का सामना करने की। लगता है सीरत ने तुम्हें बता दिया कि मैं अभी जिंदा हूं, इसलिए तुम मुझे ढूंढने आ गए। मुझे मारने आए हो ना? तुम्हें लग रहा है कि मैं डर गई हूं, कुछ नहीं करूंगी? ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाकर रहूंगी। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर दिलवाऊंगी। नहीं लाही, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम तो जानती हो। ये तो सब उस पगलेट सीरत की वजह से हुआ। उसने मुझे उकसाया और उसने मुझे इतना ट्रिगर कर दिया कि मेरे हाथ से वो पत्थर गिर गया यार नीचे। तुम तो जानती हो कि इस दुनिया में अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम ही तो प्यार हो मेरा। और तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया। बंद करो ये बकवास। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम, बल्कि तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी आंखों के सामने इतना अच्छा बनने का नाटक और मेरी पीठ पीछे मेरी बहन के साथ मुझे मारने की साजिश। अब तुम्हें और सीरत को जेल भेजने से कोई नहीं रोक पाएगा। जेल तो मैं तब जाऊंगा इलाही, जब तुम यहां से जिंदा वापस जाओगी।
जानता हूं इलाही कि तुम यहीं कहीं छुपी हो। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम कितना भी छुपने की कोशिश करो इलाही, लेकिन आज तुम नहीं बचोगी। इलाही, ये जॉर्डन की गाड़ी है। शिट, कहां गायब हो गई? आज तुम पताल में भी छुप जाओ इलाही, मैं तुम्हें वहां से भी ढूंढ निकालूंगा। मैं जहां रहूं मैं कहीं भी हूं, तेरी याद साथ है। किसी से कहूं, जिस तरह तुमने मुझे धोखा दिया था, मुझे छोड़कर चले गए थे, आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। अब तड़पो उम्र भर, मुझे तुमसे नफरत है, जाओ। आई हेट यू। आइए जी, आइए जी। सत्यानु, प्लीज कम। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुप के इस दिल में। अरे भाई साहब, ये लड़की को कहीं देखा है क्या? हाँ मॉम। जॉर्डी, तू कहाँ है? जल्दी आ, यहाँ फेरे होने वाले हैं। मुझे पता है तो इलाही के पीछे क्या होगा। देख, पागल मत बन जॉर्डी, गुस्से में कुछ उल्टा सीधा मत कर देना, जल्दी वापस आ। मैं गया हूं इलाही के पीछे, बस खुश। इसका मतलब जॉर्डन की मॉम को भी सब कुछ पता है। जल्दी वापस आ। मॉम प्लीज यार, अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मेरे को अपना लेक्चर सुनने का कोई माइंड नहीं है, ना मेरा मूड है यार। प्लीज आप लोग अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दो, मैं आ जाऊँगा अभी थोड़ी देर में। प्लीज। नहीं, जहान की शादी उस क्रिमिनल सीरत से नहीं हो सकती। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। भी अभी खराब होना था। इसका मतलब इलाही यहीं छुपी हुई थी। मैं तेरी जहान से शादी नहीं होने दूंगी। तू और जॉर्डन जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर इलाही यहाँ पुलिस को लेके पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। पता नहीं जॉर्डन ने उसे रोका होगा या नहीं।